आज हम लोग बनाएंगे एक सिंधी स्वीट डिश जिसे तोशा कहा जाता है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे बना के 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और बिल्कुल आसान है इसे बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें लेंगे 2 टेबलस्पून शुगर और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे आधे कप के करीब। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे शक्कर पिघल जाए और इसे साइड में करके रख देंगे। एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप मैदा। मैदा डालने के बाद इसमें हमें डालना है मोहन। तो मोहन के लिए हम लोग घी का इस्तेमाल करेंगे, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। तो इसमें 3 टेबलस्पून हम लोग घी डालेंगे, ऑलमोस्ट 1/4 कप। और साथ में इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 स्पून। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे ब्रेड क्रम्स कैसे रहता है वैसे ही इसका टेक्सचर आएगा। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अगर आपको लगे घी कम है तो थोड़ा सा घी और डाल दें और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखें। अगर मुट्ठी अच्छे से बनती है, मीन्स घी की मात्रा बराबर है इसमें। इसके बाद हमने जो शक्कर का पानी रखा था भिगोने के लिए वो लेंगे। देखिए, इसमें शक्कर अच्छे से पिघल चुकी है। अब यही पानी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग आटा गूंदने के लिए। आटा बिल्कुल सख्त लगाना है हमें, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। एक साथ पूरा पानी नहीं डालें, नहीं तो आटा बिल्कुल नरम हो जाएगा। एक एक स्पून करके हम लोग इसमें पानी डाल के इस तरह से देखिए सख्त आटा गूंद लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद ये आटा लेंगे हम लोग और इसे हमें रोल करना है। इसमें से एक लंबा रोल बनाएंगे, तो पहले मैं इसे 2 पीसेस में कट कर रही हूँ। बाहर का जो तोशा मिलता है उसमें अंदर से लेयर्स रहते हैं, तो वो लेयर्स लाने के लिए इस तरह से देखिए आटे को पहले फोल्ड करना है। इस तरह से देखिए आटे को अच्छे से रोल कर लेंगे हम लोग हाथों का इस्तेमाल करके। इसे बिल्कुल रोल बनाना है और इसे फिर हम लोग 2-2 इंचेस की लेंथ में कट करेंगे। साइज छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से ही सब पीसेस तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हाथों से फ्लैट कर लेंगे। देखिए कहीं कहीं ये खुल जाता है क्योंकि हमने इसे इनर फोल्ड किया है, तो हाथों से फिर से इसे थोड़ा सा रोल करें दबा के, जैसे ये खुले नहीं। ये पीसेस हमारे सब तैयार हो गए हैं। अभी इसे हमें फ्राई करना है। देखिए अच्छे से इसमें लेयर्स भी दिखेंगे। अभी इसे हमें फ्राई करना है। तेल को गरम करके आंच को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे बिल्कुल इसे फ्राई करना है हमें। तेज़ आंच पे अगर फ्राई करेंगे तो बाहर से तो ये क्रिस्प हो जाएगा पर अंदर बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो अच्छे से ये जैसे पके तो इसे धीमी आंच पे हम लोग बिल्कुल फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए धीरे धीरे फूलते जाएंगे और किसी किसी में लेयर्स भी खुलेंगे। ये हमारे तोशे देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसे अभी निकाल देंगे हम लोग एक प्लेट में। इसी तरह से ही सब फ्राई कर लेंगे। अभी इसे डालना है हमें चाशनी में, तो पहले चाशनी बना लेंगे। 1 कप शक्कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। इलायची पाउडर थोड़ा सा इसमें डालेंगे, रोज़ एसेंस 3 से 4 ड्रॉप्स। और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे।
गैस पे रखेंगे उबालने के लिए जब तक शक्कर पिघले। ये देखिए शक्कर पिघलना स्टार्ट हो गई है, अच्छे से उबाल भी आ चुका है और इसे हम लोग एक तार से ज़्यादा की चाशनी बनाएंगे। ये देखिए ये एक तार की चाशनी बनना स्टार्ट हो गई है, तो इसे थोड़ा और बॉईल करेंगे अराउंड 10 मिनट के करीब। ये परफेक्ट हमारी चाशनी अभी बन चुकी है, देखिए एक तार से ज़्यादा की है चाशनी। अभी इसमें हम लोग जो तोशे बनाए हैं वो डालेंगे इसमें। गैस को ऑन ही रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे सब साइड से अच्छे से शुगर सिरप लग जाए इस पर। तोशे दो टाइप के रहते हैं, एक शुगर कोटेड रहते हैं एक ऐसे ही रहते हैं, तो आपको अगर शुगर कोटेड नहीं चाहिए तो ये स्टेज के बाद इसे बाहर निकाल के रखें। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद शुगर कोटिंग हो जाए तो हमें इसे निकाल के रखना है, मीन्स सिरप की कोटिंग हो गई तो इसके बाद निकाल देंगे हम लोग और इसे ड्राई करने के लिए रखेंगे। पर हम लोगों को अगर ड्राई शुगर कोटिंग चाहिए मीन्स क्रिस्टल्स चाहिए इसे, तो इसे थोड़ा और बॉयल करेंगे। देखिए यहाँ पे शुगर जो है काफ़ी थिक हो चुकी है, अभी ये ऑलमोस्ट ड्राई होना स्टार्ट होगी तो हम लोग गैस ऑफ कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली घुमाएंगे और धीरे धीरे ये शुगर जो है बिल्कुल क्रिस्टलाइन हो जाएगी। कंटिन्यूस घुमाते रहना है इसे, देखिए थोड़ी देर के बाद इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे हम लोग, जैसे सब पीसेस जो है आपस में चिपके नहीं, सब अलग अलग रहें। और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। देखिए ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे ये शुगर ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी है। तोशा वो भी घर में बने हुए, खाने में बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए अंदर से भी बाहर से बिल्कुल क्रिस्प लगेंगे और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है खाने में ये। आप इसे एक बार बना के 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ध्यान रहे जब बना रहे हैं तो इसमें मोहिंड की क्वांटिटी अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो ये बराबर नहीं बनेंगे। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, सिंधी तोशा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।